ओके सो हेलो एवरीबॉडी, सो टुडे वी टॉक अबाउट इज द क्राइसिस ऑफ सिनेमा इन रिसर्च। सो ऐसा ज्यादातर, ऐसा नहीं कि सारी मूवी, कुछ कुछ मूवी जिसमें एक रिसर्च कम पड़ता है। जो एक डायरेक्टर एक फिल्म बनाता है तो उसका रिसर्च पता नहीं पूरा होता है कि नहीं होता है, मतलब मैं उसको जो विजन है, जिसको जो करना है वही चीज करता है। तो जिसको जो विजन से फिल्म बनानी है वही विजन से फिल्म बनाता है, या इट्स गुड, मतलब इट्स अ मैन्युपुलेट, यू नो व्हाट, स्मॉल मैन्युपुलेट, कि उसमें आगे का टाइटल एज अ ट्रू फिल्म लगता है और रिसर्च कुछ अलग बयां करती है। तो इट्स अ स्मॉल मैन्युपुलेट एंड दैट इज अ बिग ड्रॉप। इस टाइप की मूवी ज्यादातर ड्रॉप होती है। ऐसे कोई भी मूवी उठा के देख लो, इस रिसर्च प्रमाण पता नहीं पब्लिक को पता होता ही नहीं होता है। मतलब मैं एक कहानी जो आप ट्रू स्टोरी करके लॉन्च करते हो तो उसमें ट्रू स्टोरी में थोड़ा रिसर्च कम होता है। अगर रिसर्च कुछ और बयां करता है, मूवी का विजन कुछ और बयां करता है। तो इसी टाइप से आई विल बी टॉक अबाउट कि ज्यादातर ऐसी मूवी क्राइसिस होती है। तो क्यों, व्हाई हॉलीवुड मूवी ऑलवेज इज अ टॉप ऑन लेवल, हाल फिलहाल ऐसे काफी सारे ऐसे साउथ की मूवी इज अ टॉप ऑन लेवल, इज जस्ट क्रिएट योर विजन एज अ क्रिएटिविटी। एंड कुछ लोग ऐसा विजन क्रिएट करते हैं, मतलब मैं उसको थोड़ा मैन्युपुलेट करते हैं, थोड़ा पैसे के चक्कर में, थोड़ा नो डाउट के ऑब्वियसली बात है, चलो सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ पैसे के चक्कर में, इज नॉट इज अ क्रिएटिविटी। दैट इज अ पॉइंट फॉर हाउ टू क्राइसिस इन ज्यादातर कैसे बॉलीवुड मूवी, हाउ टू क्राइसिस हॉलीवुड में। जैसे कि बात यहाँ तक की नहीं, बात हॉलीवुड में भी बनी है, यहाँ भी बनी है, मतलब मैं एक मैन्युपुलेट नहीं किया गया है, उसको एक ट्रू स्टोरी का नाम नहीं दिया गया। सो दैट्स आई विल टॉक अबाउट कि इट्स अ फैक्ट, आपका विजन है जो आप दिखाना चाहते हो उस पर थोड़ा ज्यादा मेहनत करो, और उसमें ज्यादा मेहनत करने की, अगर आपका विजन है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, और उस चीज को दिखाओ और शिद्दत से दिखाओ और दिल से दिखाओ और दिल से दिखाओ और दिल से क्रिएट करो। तो दैट्स आई विल टॉक अबाउट कि कोई भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो उसको पहले सोच के लिखो कि आपको ये ट्रू स्टोरी में लिखनी है या फैक्ट पे लिखनी है या उसका प्रूफ लेके लिखनी है या फिर अपना इमेजिनेशन से लिखनी है। और ज्यादातर क्रिएटर अपना इमेजिनेशन से लिखता है, तो वही होता है एक फिल्म। फिल्म एक इमेजिनेशन एक डायरेक्टर का, एक क्रिएटर का, एक एक्टर का, एक राइटर का, एक इमेजिनेशन क्रिएट करता है। अगर ट्रू स्टोरी दिखानी है तो सब कुछ ट्रू आपको मिल जाएगा, सब कुछ पूरा वे साथ मिलने का, उस पर बनाओ। विजन से बनानी है तो अलग अपने विजन से बनाओ, उस ट्रू स्टोरी में सब कुछ पार्ट ले लो और उसको अपने इमेजिनेशन डाल के दिखाओ। मतलब इट्स ट्रू स्टोरी करके लॉन्च करो या इट्स अ मैनिपुलेट। सो दैट्स आई विल टॉक अबाउट क्या, हाउ टू ड्रॉप सम मैनिपुलेट फिल्म। सो दैट इज अ क्राइसिस इन रिसर्च। ये एक क्रिएटिविटी खराब करता है, और उसको देखने वाला अगर जो एज अ व्यूअर देखेगा वो तो देखेगा, चला जाएगा, अच्छा लगा नहीं लगा। जब मोस्टली ड्रॉप होती है ऐसी मूवी, मतलब एज ए इसी मूवी से, ऐसी कोई मूवी से आपको सीख लेते हो तो बाद में आपका विजन भी एज अ पैसा हो जाएगा। एंड जब क्रिएटिविटी में विजन थोड़ा पैसे पे जाता है, पैसा इज ए इम्पोर्टेंट, मतलब मैं एक अपना दिल से किया हुआ काम और एक मैन्युपुलेट किया हुआ काम, वो कभी आपका क्रिएटिविटी आपको पे नहीं लगेगी। इट्स अ प्रूव डेट कर्मा। सो दैट्स आई विल टॉक अबाउट कि अगर ऐसी मूवी से रिसर्च मार के अच्छे से काम करो या फिर अपना खुद का इमेजिनेशन, खुद के इमेजिनेशन से बात करते हैं, एक सुपर हीरो की, सुपर हीरो की जैसे कि मार्वल टाइप की, डीसी टाइप की, बैटमैन, सुपरमैन, वो स्पाइडरमैन, तो इस टाइप की अगर जो आपकी कोई भी सुपर विजन सुपर हीरो वाली फिल्म बना रहे हो, ऑब्वियसली उसमें सुपर विजन लगता है, तो सुपर विजन वाली फिल्म बना रही हो, सुपर हीरो वाली फिल्म से कहानी लिखना चाहता हूँ तो किस टाइप से लिखते हो, किस टाइप से उसको सोचना है, तो ये मेरा पूरा वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे मैंने दिखाया कि आप किस टाइप से एक नया सुपर हीरो क्रिएट कर सकते हो, किस टाइप से एक नया सुपर फिल्म बना सकते हो, किस टाइप से स्क्रिप्ट में, किस टाइप से एडिट कर सकते हो, तो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया। आई होप यू विल नो अबाउट कि हाउ टू क्रिएट माई ओन सुपर हीरो, मेरी खुद की कहानी, मैं कैसे इमेजिन करना है, कैसे क्या करना है। जैसे ज्यादातर कैसे मैंने स्टोरी टेलिंग वाले भी वीडियो मैंने बनाए, तो वो भी आप देख सकते हैं किस टाइप से आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, किस टाइप से आप प्लॉट डिसाइड, किस टाइप से एक स्टोरी की स्टार्टिंग करनी, किस टाइप से एक पहला वर्ड लिखना है, किस टाइप से स्टोरी स्टेप बाय स्टेप लिखनी है, किस टाइप से क्लाइमेक्स लिखना है, वो सब कुछ मैंने बताया हुआ है। आई होप यू विल बी लाइक अबाउट, सो लेट्स क्लिक अबाउट एंड यू विल बी लाइक फॉर दिस वीडियो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जो नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, एंड दैट्स डेफिनेटली आई विल नो अबाउट कि अगर जो आपको नहीं पसंद आए तो प्लीज डिसलाइक करिए, या पसंद आया तो लाइक कीजिए। मैंने सेल्फ स्टोरी टेलिंग सीखना है, फिल्म मेकिंग सीखना है, मैंने काफी सारे सीखे, लेट्स चेक आउट, मिलते हैं इसी टाइप से नेक्स्ट वीडियो।